नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, आपने आज का थंबनेल तो देख के यह आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। अर्थात हम बात करेंगे कि आपको जो है अपने YouTube चैनल में जो है मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना क्यों इतना आवश्यक है। क्योंकि यदि आप कोई YouTube क्रिएटर हैं और आप जो है वीडियो बनाते हैं और YouTube पे अपलोड करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अर्थात आप जो है YouTube चैनल से पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना अति आवश्यक है। तो इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, इस पे आज जो है हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाते हैं। जैसे ही मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं फिर हमें क्या करना होगा, अपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा गूगल क्रोम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके ऊपर क्या कर देना है, आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में क्या है, यहाँ पे एक जो टाइप हेयर या सर्च आर टाइप वेब एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर आपको क्या कर देना है, टाइप करना है youtube.com। youtube.com जैसे यहाँ पे आप टाइप करते हैं उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारे सामने एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो साइड में एक लोगो दिख रहा होगा, इस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। लोगो पे इसलिए हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमें पहले अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी होगी, जिस जीमेल आईडी से हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया है और उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना होगा और काफ़ी जीमेल आईडी आपकी दिख जाएंगी जो भी आपके मोबाइल में ऐड होंगी। अब आपको यहाँ पे वह जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी होगी जिस जीमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैंने क्या है, पहले ही मेरी जो जीमेल आईडी दिख रही है ज्ञान बाई नरेश 55 नंबर की, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इसी पे मुझे मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब क्या है, आपको यहां पे जो 3 डॉट दिख रहे होंगे इस पे क्लिक करना है क्योंकि आपको अपने मोबाइल को जो है डेस्कटॉप मोड में करना है। इसके लिए क्लिक करेंगे, नीचे जो दिख जाएगा आपको डेस्कटॉप साइड, इसके ऊपर आपको यहाँ पे जो स्क्वायर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे आपको क्या है, पुनः जाना होगा अपने लोगो पे, अर्थात यूट्यूब चैनल का जो लोगो आपका है उस पे पुनः क्लिक करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ यहाँ पे नए ऑप्शन नीचे की तरफ आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अब आप ऑप्शन वो देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बात करें तो पहला ऑप्शन जैसे होता है यूट्यूब स्टूडियो का, दूसरा होता आई एम सॉरी पहला होता है योर चैनल का, दूसरा यूट्यूब स्टूडियो, फिर आता है अकाउंट में स्विच टू अकाउंट और लॉग आउट का। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है अपने यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन में। तो जैसे ही मैं यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे वो पेज ओपन हो रहा है, आप भी उसको देख सकते हैं। यह पेज जो ओपन होता है, अब यहाँ पे जो सबसे नीचे जो होता है एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, वो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेटिंग का ऑप्शन जो सबसे नीचे होता है, इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज में यहाँ पे सबसे पहला जैसे जनरल का ऑप्शन होता है, फिर चैनल का ऑप्शन होता है, फिर अपलोड डिफॉल्ट है, तो हमें जो है चैनल वाले ऑप्शन पे क्या कर देना होगा, क्लिक करना होगा। तो हम चैनल ऑप्शन को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही चैनल के ऊपर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से एक वहाँ पे शॉर्ट मतलब पास में खुल जाएगी। वहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, जैसे बेसिक इन्फो का आएगा, एडवांस सेटिंग का आएगा, फिर फीचर एलिजिबिलिटी का आएगा। तो इस फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज टाइप से ओपन हो जाएगा। उसमें जो है 3 पॉइंट्स होंगे, जैसे 1 होगा आपका स्टैंडर्ड फीचर होगा, फिर आपका होगा
दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट एडवांस फीचर। तो हमें जो है सेकंड वाले फीचर में क्या कर देना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड फीचर में अभी आप इधर साइड में देख रहे हैं जो है वहां पे जो है ब्लू कलर का नहीं हुआ है। तो इस ब्लू कलर को करने के लिए या इसको जो है एलिजिबल करने के लिए आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नीचे की तरफ क्या है एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में क्या है आपको यहाँ पे दिखेगा वेरीफाई फोन नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई फोन नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या पेज ओपन होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि वो नया पेज ओपन हो रहा है, इस नए पेज में जो है आपको दिखेगा कुछ ऑप्शन, जैसे कि पहला ऑप्शन है सिलेक्ट योर कंट्री का ऑप्शन है, दूसरा आता है आपका फोन नंबर, अर्थात पहले अपनी आप कंट्री चूज कर लिए, जो कि मैंने इंडिया चूज कर लिया है, मैं इंडिया में रहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है फोन नंबर, तो आपको यहाँ पे फोन नंबर फिल कर देना है, उसके बाद गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट कोड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे वो 6 डिजिट का कोड वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है टाइप कर देना है। तो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या कोड आया हुआ है, तो उस कोड को हम यहाँ से देख लेते हैं। अपने चले जाते हैं जहाँ पे आपके मैसेज आते हैं, उस मैसेज में आप जा सकते हैं। तो मैं मैसेज में आ गया हूँ, जैसे कि मेरा पहला अभी यहाँ पे मैसेज आ चुका है यहाँ पे, और देखते हैं ये जो लास्ट का है 24/88/14, इसको वहाँ पे हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे। तो यहाँ से पुनः जाते हैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में और यहाँ पे उस कोड को फिल कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कोड को फिल कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, इस सबमिट के ऊपर आपको क्या कर देना होगा क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा और उसमें दिख के आ जाएगा कि योर चैनल क्या है वेरीफाइड। देख सकते हैं कि फोन नंबर वेरीफाइड, कांग्रेचुलेशन योर फोन नंबर हैज नाउ बीन वेरीफाइड, अर्थात आपका नंबर क्या है वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।